हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। पूरे प्रदेश में प्राइवेट बस परमिट देने के विरोध में चक्का जाम किया है। कुरुक्षेत्र में भी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम सफल रहा। सुबह से कोई भी बस सड़कों पर नहीं चली। प्रशासन ने कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है और प्रशासन ने रोडवेज कर्मचारियों के धरने को बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी से बाहर कर दिया। उधर रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल बिल्कुल सफल है और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह दो दिन का चक्का जाम अनिश्चितकालीन हो जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों ने बहुत समय पहले हरियाणा रोडवेज में निजी बस परमिट देने के विरोध में चक्के जाम का ऐलान किया था। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि हालांकि सरकार सख्ती अपना रही है लेकिन उनके कर्मचारी हड़ताल और धरने पर डटे हुए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वह सरकार के उत्पीड़न के आगे नहीं झुकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दो दिन का सांकेतिक चक्का जाम को अनिश्चित काल के लिए करने से गुरेज नहीं करेंगे। सरकार जो जबरदस्ती हायर करना जा रही है, प्राइवेट परमिट देना जा रही है, उसके खिलाफ है कर्मचारी। कर्मचारियों ने, यूनियन ने कॉल दे दी थी 16-17 तारीख की। अगर सरकार बातचीत के माध्यम से बातचीत करना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन टाइम देकर भी मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करना उचित नहीं समझा और उसका परिणाम आज ये भुगतना पड़ा सरकार को। जो हमारी सफल हड़ताल आज हो रही है, दो दिन की हड़ताल दे रखी है 16 और 17 तारीख की, अगर फिर भी सरकार ने मनमानी करी तो ये अनिश्चित काल के लिए भी की जा सकती है। क्या नाम आपका? क्या पता? मेरा नाम मूलचंद है। मैं आज के यूनियन से कुरुक्षेत्र डिविजन वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर। आपकी किस तरह का है और कोई कार्रवाई भी हुई है क्या? हाँ, हम बाला डिपो में जैसे लाठीचार्ज करी है, स्टेज के माध्यम से उसका विरोध करते हैं और कहीं भी जो सरकार या प्रशासन कर्मचारियों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाएगी, ये 16-17 की बजाय अनिश्चितकालीन भी हड़ताल हो सकती है। सरकार ने जो दारे पहले लगा रखी है इसमें के कर्मचारियों की जो मतलब उत्पीड़न कर रही है सरकार, इस उत्पीड़न से सरकार डरने वाली नहीं है। आगे भी अगर जो सरकार ऐसी अटकने तक आएगी, सरकार चाहे लाठी गोली की बजाय फांसी लेने के भी रोडवेज के कर्मचारी तैयार हैं। तो यहाँ भी कोई करते हैं जैसे भी उन्होंने रोडवेज के ऊपर कुर्बानी दी है, आगे भी सारे साथी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम आपका? सुल्तान सिंह, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ प्रधान।